हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरु जी। फ्रेंड्स, बड़ी खुशखबरी यहां पर आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर की भर्ती आ चुकी है। बड़ी खुशखबरी है, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसके फॉर्म भी आप ऑनलाइन कर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 56,000 इसकी सैलरी यानी 56,000 रुपये सैलरी है। और जो है गवर्नमेंट द्वारा नई साल का तोहफा है ये, ठीक है, एक तोहफे के तौर पर आपके लिए जो है भर्ती निकल कर आई हुई है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि नई साल सभी के लिए मुबारक हो, हैप्पी न्यू ईयर 2020, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है टोटल 700 के लमसम पोस्ट हैं और इसमें ऑल इंडिया वैकेंसी है, ठीक है। इसमें मेल फीमेल सभी कोई जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लें, साथ ही टेक्निकल हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। फ्रेंड्स, ऑल इंडियन गवर्नमेंट वैकेंसी जो भी आती है मैं सबसे पहले आपको वीडियो बनाकर प्रोवाइड करता हूँ, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो वैकेंसी निकली हुई है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि UP SSC के द्वारा ये वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस जनरल रिक्रूटमेंट स्पेशल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 डेट ऑफ, यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट बताई गई है जिसमें आप जो है इसके ऑनलाइन फॉर्म आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं 30 दिसंबर 2019 से। इसके फॉर्म भरने की लास्ट डेट जो है यानी कि फीस फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2020 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसकी एप्लीकेशन फीस डेट जो है डिपॉजिट करने की लास्ट डेट जो है वो 27 जनवरी है और एप्लीकेशन लास्ट डेट फॉर्म भरने की जो है वो 30 जनवरी 2020 है, ठीक है। तो इसके फॉर्म जो है ऑनलाइन भरना स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो मेन टॉपिक जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसकी जो है एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। तो अनरिजर्व्ड की बात करो और इकोनॉमिकली की वीकर सेक्शन यानी EWS और जनरल और OBC वाले कैंडिडेटों की बात करते हैं तो 200 रुपये की फ़ीस है जिसमें 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है, आपको टोटल 225 रुपये देने होंगे। यहीं पर SC और ST की बात करें तो 80 रुपये एग्ज़ाम फीस है और 25 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज है, 105 रुपये इसकी फ़ीस है। हैंडीकैप वालों की बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन कोई फीस नहीं है लेकिन प्रोसेसिंग चार्ज इसका है जो 25 रुपये का है। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसमें एग्जामिनेशन फीस जो है वो 80 रुपये है और प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपये, जिसमें भी आपको 105 रुपये देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है कुछ और जानकारी है वो मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म किस तरह से आपको फिलअप करना है यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टेज बताई गई है, किस स्टेज है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपना रेजिस्ट्रेशन वगैरह करना है, पेमेंट वगैरह करना है, आपको नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तीन मोड के द्वारा आप जो है पेमेंट कर सकते हैं, या तो नेट बैंकिंग से कीजिएगा, अपने कार्ड से कीजिएगा या अदर पेमेंट मोड से कीजिएगा किसी से, ठीक है। थर्ड स्टेप है आपको अपना पूरा डाटा फिलअप करने के बाद एप्लीकेशन को सबमिट करना है। एप्लीकेशन चार्ज आपका जो मैंने बता ही दिया आपको कितना एप्लीकेशन चार्ज इसमें लगने वाला है, ठीक है। उसको जो है आप मॉडिफाई भी यहाँ पर जो है कर सकते हैं लेकिन सबमिट होने से पहले, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कौन कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट के बारे में बताया गया है, सबसे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात की जाए तो जिसमें असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है सिविल से, ठीक है। सिविल का जो है आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बाद में क्वालिफिकेशन की भी बात करूँगा कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले इरिगेशन डिपार्टमेंट पर है असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है सिविल से, जिसमें टोटल 171 पोस्ट हैं, ठीक है। और इसमें ब्रांच आपकी सिविल होनी चाहिए, ठीक है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में मैकेनिकल की पोस्ट है असिस्टेंट इंजीनियर की, और सभी असिस्टेंट इंजीनियर की ही पोस्ट हैं, ठीक है, जिसमें 73 वैकेंसी है मैकेनिकल से। माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में है एग्रीकल्चर से, जिसमें 9 वैकेंसी हैं टोटल। माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट में सिविल से है 4 वैकेंसी। माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से है असिस्टेंट इंजीनियर की मैकेनिकल से 5 पोस्ट हैं टोटल। रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से असिस्टेंट इंजीनियर की 57 पोस्ट हैं सिविल से। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी कि PWD से हैं सिविल से 108 पोस्ट, ठीक है। और आप सभी को पता है इसके बाद पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो जिसमें आपकी 46 पोस्ट हैं टोटल। मंडी परिषद की बात करें तो सिविल से है 31 पोस्ट। मंडी परिषद में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से 5 पोस्ट हैं। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट से सिविल से 26 पोस्ट है। हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट से इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 25 पोस्ट हैं, ठीक है। नगर विकास विभाग में सिविल से 24 पोस्ट है। नगर विकास विभाग में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से 6 पोस्ट और आपकी नगर विकास विभाग में
असिस्टेंट इंजीनियरिंग वाटर कैटेगरी बी, जलकल इंजीनियरिंग के लिए 19 पोस्ट हैं टोटल, ठीक है, जिसमें आप जो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, कोई सी भी आपसे ग्रेजुएशन हो आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकेंगे। मैकेनिकल डिपार्टमेंट की बात करें सिविल से, मेडिकल डिपार्टमेंट सॉरी, इसमें 4 पोस्ट आपकी सिविल से, पंचायती राज डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग की पोस्ट है, एक पोस्ट है सिविल से। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए आपको यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप डी इंजीनियरिंग ब्रांच आपकी एग्रीकल्चर हो, 12 पोस्ट है। इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए भूमि संरक्षक अधिकारी टेक्निकल ऑफिसर 31 पोस्ट है, एग्रीकल्चर से हो या सिविल से हो। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल सिक्योरिटी 21 पोस्ट टोटल इलेक्ट्रिकल से। लेबर डिपार्टमेंट असिस्टेंट इंजीनियरिंग फैक्ट्रीज 13 पोस्ट है, सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल इंडस्ट्रियल। लेबर डिपार्टमेंट के लिए बॉयलर से है, ठीक है, मैकेनिकल ब्रांच हो, एक पोस्ट है। टोटल 692 पोस्ट इसमें बताई गई, ठीक है, तो 692 टोटल असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट है। अब इनकी क्वालिफिकेशन की यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वालिफिकेशन क्या क्या इसमें होने वाली है। उसके बाद यहाँ पर जो है स्पेशल रिक्रूटमेंट में यहाँ पर थी, ठीक है, ये जो पोस्ट थी ये आपकी तो जनरल रिक्रूटमेंट थी, ठीक है, यहाँ पर एक स्पेशल पोस्ट आपकी है नगर विकास विभाग असिस्टेंट इंजीनियर वाटर बी कैटेगरी जल निगम। इसमें 18 टोटल पोस्ट हैं और जो एससी एसटी और ओबीसी के लिए है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल के लिए। मंडी परिषद में है जिसमें 2 पोस्ट हैं टोटल केवल ओबीसी के लिए, जिसमें यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से और 20 पोस्ट ये यहाँ पर हैं। पे स्केल की बात करें तो 15,600 से 39,100 है, ग्रेड पे आपका 5,400 रुपये है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं रिजर्वेशन में आपको जो कैंडिडेट हैं रिजर्वेशन, ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं अगर आप यूपी से हैं तो जिस भी कैटेगरी से हैं वो उस कैटेगरी को आपको होगा, लेकिन अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल से ही बिलोंग माने जाएंगे। यानी कि अगर आप मान लीजिएगा यूपी की वैकेंसी है, अगर आप उत्तराखंड के हैं, ठीक है, या बिहार के हैं, ठीक है, या मध्य प्रदेश के हैं, यहाँ कहीं से फॉर्म भरते हैं तो आपको जनरल की रैंक ही आपको कट ऑफ लगाई जाएगी और जनरल के कैंडिडेट माने जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात की गई है तो क्वालिफिकेशन में यहाँ पर जो है सीरियल नंबर 1 और 2 के लिए, ठीक है, यानी असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इरिगेशन डिपार्टमेंट के लिए आपको जो है सिविल मैकेनिकल से आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर किन किन कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी वो यहाँ बताया गया। सबसे पहले तो अगर आपने 2 साल मिनिमम पीरियड में आर्मी में जो है जॉब किया है तो आपको जो प्रेफरेंस दिया जाएगा तब भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है एनसीसी का बी कैटेगरी आपकी जो है बी सर्टिफिकेट होना चाहिए एनसीसी में, ठीक है, बी ग्रेड का, तो आप इसके लिए प्रीफर कर सकते हैं, हो सकते हैं। उसके बाद आपका जो है 1 ईयर ट्रेनिंग होनी चाहिए आपकी, ठीक है, इसमें जो है बताया गया है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू कंप्लीटेड होनी चाहिए तब भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो कैटेगरी की मैं यहाँ पर बात करूँ वैकेंसी की तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल के लिए यहाँ पर वही हैं सब, ठीक है। आप सिविल से भरना चाहें तो ग्रेजुएशन आपका सिविल से हो, एग्रीकल्चर से भरना चाहें तो ग्रेजुएशन आपका एग्रीकल्चर से हो, लाइक जिस तरह से बीई या बीटेक होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि आपको बीए वगैरह हो, बीएससी वगैरह तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते। आपके पास जो है आपका टेक्निकल ग्रेजुएशन होना चाहिए, लाइक जिस तरह से बीई, ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या तो बीटेक, बैचलर ऑफ टेक्निकल, इस तरह से आपका होना चाहिए, ठीक है। यानी कि पॉलीटेक्निक डिप्लोमा वगैरह नहीं हो आपके पास, अगर है ऐसा तो नहीं आप भर सकते, केवल आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, बीटेक वगैरह कुछ भी, ठीक है, तो इसके लिए फॉर्म को भर सकते हैं। तो वही सब है इसमें, सिविल से इंजीनियरिंग हो, ठीक है, और वही सभी प्रेफरेंस हैं जो मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताई कि आप मिनिमम 2 साल आर्मी में वर्क किए हों, एनसीसी हो आपके पास, इस तरह के सभी में जो है जो बताई गई है। और बकाया क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर जो है आपका इरीगेशन से, तो इरीगेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियरिंग हो आपके पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका इलेक्ट्रिकल से बीटेक हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी जिस भी ब्रांच से हों, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप सभी को पता है आप टेक्निकल स्टूडेंट होंगे, सभी को जानते हैं, क्योंकि मैं बता दूं मैं भी एक टेक्निकल हूं, ठीक है, तो मैंने भी टेक्निकल स्टडी की हुई है, तो सभी ज़्यादा जानकारी तो सभी को ही होती है जो नई इंजीनियरिंग से पढ़ाई की होते हैं, ठीक है। 21 से 40 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए आपकी, तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और बकाया इसमें सभी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पर कैंडिडेट रहेंगे, लाइक जिस तरह से ओबीसी के लिए थोड़ा बहुत छूट रहता है, एससी एसटी सभी के लिए थोड़ा बहुत छूट रहता है। उसके बाद यहाँ पर जो है आगे मैं आपको बता देता हूँ और भी जानकारी इसमें, और कुछ ज़्यादा इसमें नहीं है। और मैं हाँ बता दूं आपको कि इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपका ओमेर सीट पे होगा, यानी कि आपको
ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और मैं आपको बता दूँ इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। OMR सीट पर आपका एग्ज़ाम होगा, ना कि ऑनलाइन, ठीक है। तो ये था, और कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके नीचे पूछ सकते हैं। फॉर्म भरने की लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और इसकी भी लिंक मैं फॉर्म वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नोटिफिकेशन की लिंक भी, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट था, धन्यवाद उस वीडियो देखने के लिए। अगला कोई नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी ही मिलते हैं आपके लिए।